शाहबाद के गांव कठुआ में लगभग 1000 एकड़ धान की फसल तबाह हो चुकी है। वहीं गन्ने की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों और ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक दशक से हर साल इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मंत्री और विधायकों को बार बार इस समस्या का समाधान करवाने के लिए कह चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। गांव कठुआ के किसानों ने बताया कि लगभग 1000 एकड़ धान की फसल खराब हो चुकी है। पानी अभी भी फसलों में खड़ा हुआ है। धान की फसल के साथ साथ गन्ने की फसल को भी काफी नुकसान हो चुका है। सरकार की ओर से भी अभी तक कोई भी अधिकारी गाँव में नहीं आया है। उन्होंने सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द फसलों की गिरदावरी करवाएं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। नुकसान है गाँव का जी, हर बार सुपर तैयार है, दोबारा फिर फसल चढ़ने वाला तैयार है जी। कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई कुछ नहीं कर रहा, ना कुछ दे रहा जी। और सारे के सारे इतना नुकसान है कि जिस तरह अपने जिम्मेदार को कुछ नहीं मिल रहा, ना गिरदावरी हो रही, ना कुछ हो रही जी। CM साहब भी आए थे, जिला CM, उन्होंने भी कुछ नहीं करके दिया जी। पहले गेड़ा मार चुके, उसके पीछे उन्होंने कोई कुछ नहीं करके दिया जी। 20 एकड़ का नुकसान मेरा है खुद जीरी का जी। पानी अभी भी खड़ा, अभी भी पानी खड़ा है, उसके बाद अभी भी चल रहा है जी। और कोई काम नहीं कर रहा प्रशासन, कुछ भी आके यानी कि ना देख रहा है, डेरे डूब रहे, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा जी। क्या मांग करते हैं? हाँ भी यानी को राहत कार्य के लिए कुछ राशि रूसी या खाने पीने कोई इंतजाम किया जाए, कुछ भी नहीं किया जी प्रशासन को। क्या मांग करते हैं आप? मांग हम करते हैं कि हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। अब भी पानी आ गया तो जो हमसे डेरे में बैठे हैं लोगों को राहत कार्य के लिए कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रतन सिंह कठुआ। खराब हो सकती है फसल, अभी पानी खड़ा है फसल में, इसमें फसल खड़ी बहुत धूप मार रही है, मर सकती है फसल। यहाँ पर कोई गिरदावरी नहीं हुई, ना कोई पटवारी देखने आया, जो पटवारी ने भेज कर यहाँ पर गिरदावरी करवाई जाए और जो जिम्मेदार को मुआवजा दवाई जाए। कितना नुकसान हुआ पूरे गांव की फसल? गाँव का 80% तो कम कम नुकसान हो चुका है, जो ऊंचे फसल वो बच रही है, बाकी तो सारी नुकसान है। डूंगे में देख लो जाके पानी खड़ा, अभी पहाड़ में बारिश हो रही है, जब नगर एरिया में बारिश चल रही है, दोबारा फिर पानी आ सकता है, जिससे बहुत किसान परेशान है, कभी भारी नुकसान हो सकता है। और अभी भी क्या नाम? जंग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वैसे मारकंडा नदी का पानी तकरीबन उतर चुका है, लेकिन खेतों में अभी भी पानी है, भरा हुआ है, और तकरीबन हमारी फसल तो नष्ट हो चुकी है। और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमें मुआवजा दिलाया जाए। 1000 एकड़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, बाकी अभी भी कुछ नहीं खड़ा हुआ है, वो पानी उतरने के बाद पता लगेगा। और मौसम भी आप देख सकते हैं कि पूरा ख़राब है, यमुनानगर में बारिश हो रही है, जिस तरह से पानी दोबारा आने के आसार हैं। क्या नाम आपका? हरबख सिंह, गांव कठुआ। अर्थप्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।